हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सूरज गुरगांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको दिखाने वाला इन्वेंटरी, ये बेसिकली 173 स्क्वायर प्लॉट साइज है और ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ आई ब्लॉक पालम विहार में। एग्जैक्टली आप देख पा रहे हो, ये इसकी 12 मीटर की रोड है। 173 यार्ड्स के सारे प्याज के घर बने हुए हैं। लोकेशन भी काफी बेहतरीन सा है। और जो मैं आज आपको दिखाने वाला इन्वेंटरी फ्रेंड्स, वो ये वाला है। और इसके सामने ग्रीनबेल्ट मिल रहा है प्रॉपर आपको, काफी बड़े साइज का, जो कि आपको आप देख पा रहे हो। ये मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है बाहर से, बट आज मैं इसका वीडियो अंदर से बनाऊंगा, ये वाले इन्वेंटरी का। और ये इसका रैंप एरिया हो गया प्रॉपर, जो कि आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे रोड लगी हुई है। मैंने इसका लेआउट बताया भी था आपको, 1 BHK बना हुआ। नीचे में बड़े साइज का लॉबी है, एक पाउडर रूम है और एक रूम से अटैच वाशरूम है। इसके ऊपर जो है फ्रेंड्स, 2 बेडरूम बना हुआ है, एक कॉमन वाशरूम है, दोनों रूम से अटैच है। इसके ऊपर एक रूम बना हुआ है और एक अटैच वाशरूम है। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द लॉबी एरिया। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द कैंपस एरिया। यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि ये इसका कैंपस एरिया आ गया प्रॉपर। इसमें मोजाइक का काम किया हुआ, जो कि आप देख पा रहे होगे। और यहाँ से भी अप्रोच है जाने का, ऊपर जाने का। अगर आप रेंट पर डालोगे तो यहाँ से भी रास्ता हो जाएगा। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सूरज गुरगांव ड्रीम व्लॉग। फ्रेंड्स, ये बेसिकली इनका जो है, ये इसका हो गया लॉबी एरिया, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये काफी ह्यूज साइज का ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा। एक लेआउट समझ लो, यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है, सोफा लगी हुई है काफी बड़े साइज की, जो कि आप देख पा रहे होंगे। बड़े साइज की विंडो भी दी हुई है इसमें। और इसका रास्ता यहाँ से भी था, बट इन्होंने इसको बंद कर दिया है। इस रास्ते को बाहर से मैंने दिखाया था आपको, सेम अप्रोच दिया हुआ है। इसको अगर आप लेते हो तो आप इसको खुलवा के आप यहां से भी यूज कर सकते हो। अगर रेंट पर डालना है तो फिर तब तो फिर ऐसे ही रहने दो इसको। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट बेडरूम। इसमें 2 बेडरूम बना हुआ है, मैंने बताया था आपको। जो फेसिंग है फ्रेंड्स, ये एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, जो कि मैंने बताया था आपको। और इसमें 2 बेडरूम बना हुआ है। ये वाला जो है, ये पाउडर रूम हो गया, सॉरी, इसमें 1 बेडरूम बना हुआ है और ये वाला इसका पाउडर रूम हो गया। इससे अटैच एक वॉशरूम भी है, 1 बेडरूम हो गया, ये किचन एरिया हो गया। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम। सेम इसमें आपको चिप का काम किया हुआ है, मोजाइक की भी प्रॉपर। ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया, जो कि आप देख पा रहे हो। और इसमें वार्डरोब भी दी हुई है प्रॉपर, ये इस साइज की वार्डरोब मिल रही है इसमें आपको प्रॉपर। और इससे अटैच ये वॉशरूम है फ्रेंड्स। एक मिनट लाइट ऑन कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या नहीं है। ये इसका हो गया वॉशरूम एरिया प्रॉपर। इसमें टाइल्स लगी हुई है, गीजर भी लगा हुआ है। और ये जो इस रूम से भी है, इस रूम से भी अटैच्ड है और इस हॉल से भी कॉमन है ये वॉशरूम। और मूविंग ऑन टू द किचन एरिया। और ये इसका किचन एरिया हो गया, काफी बड़े साइज की किचन है ये, जो कि आप ये देख पा रहे हो। यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया हुआ है, गैस लगी हुई है प्रॉपर। यहाँ पे चूल्हा भी दिया हुआ है, दोनों साइड दो इसमें दी हुई है प्रॉपर। ये इसका डोर सिंक हो गया। मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बैकयार्ड। ये पीछे का हो गया स्पेस फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हो ये स्पेस छोड़ा हुआ है पीछे का। लेआउट आप समझ लिए होंगे क्या है, नहीं इसका तो। ये इसका हो गया ड्राइंग रूम प्रॉपर, ड्राइंग कम डाइनिंग इधर है। और यहाँ पे 1 बेडरूम ये हो गया। ये इसका यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, अप्रोच दिया हुआ है, कॉमन भी इस लॉबी से, इस रूम से अटैच्ड है। ये किचन हो गया। लेट्स स्टार्ट द मूविंग ऑन टू द अपस्टेयर्स। यहाँ से भी रास्ता है जाने का, यहाँ पे स्टेयरकेस दी हुई है प्रॉपर। यही था रास्ता, उस साइड से उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया हुआ है। यहाँ भी कुछ स्पेस दिया हुआ है, यहां से फ्रंट बैल्कनी आ जाएगी। और यहाँ स्पेस छोड़ा हुआ है, छत का एरिया काफी बड़े साइज का है ये। यहाँ भी आप चाहोगे तो हॉल बना सकते हो इसको। और ये एक रूम हो गया और ये एक वॉशरूम है। इस रूम से भी अटैच है, दोनों रूम से ये कॉमन है ये वॉशरूम। और इस रूम से भी है ये सेम।
एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे का तरफ भी। ये इसका बालकनी हो गया छोटा सा, पीछे साउथ फेसिंग है, देख सकते हैं धूप आ रही है प्रॉपर। और ये इसका छत हो गया, और सेम बालकनी आपको इस रूम से भी है। एक बार ये आपको दिखा देता हूँ, लोकेशन भी अच्छी है। ये स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये इसका छत हो गया। और यहां से अभी हम लोग एंटर किए थे, ये स्टेयर केस हो गया इसका, और ये इसका फ्रंट बालकनी हो गया अपस्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर का। यहां से आप देख पा रहे होगे, लोकेशन भी अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर आपकी गाड़ी आ जाएगी। यहाँ पे रैंप एरिया है जो कि आप देख पा रहे होगे। ये आपकी अंदर ग्रीन बेल्ट है प्रॉपर, काफी बड़े साइज की, पेड़ भी काफी लगी हुई है, लोकेशन काफी प्यारा है। मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से स्टेयरकेस गई हुई है ऊपर, एक बेडरूम बना हुआ है। और यहाँ पे इसकी बालकनी हो गई सेम। और एक एक बेडरूम यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, ये इसका एक बेडरूम हो गया। अब इसमें लाइटिंग का प्रोविजन नहीं है तो डार्क है। और ये वाला एक वॉशरूम हो गया इसे अटैच। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए, अगर अच्छा लगा वीडियो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स ये जो जा रहा है इन्वेंट्री, ये बेसिकली प्लॉट प्लॉट के रेट पे ही जा रहा है, तो अगर अच्छा लगा प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। ऐसा वीडियो मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, एंड प्लीज चेकआउट द डिस्क्रिप्शन फॉर प्राइस एंड ऑल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।